So moving forward, talking about some things from the previous lecture, कल हमने एक फेसबुक पोस्ट एड डिजाइन किया था रिगार्डिंग सम रेस्टोरेंट प्रोडक्ट, और उसमें हमने बर्गर को लिया था। उससे रिलेटेड हमने एक पोस्ट को डिजाइन किया था, प्लस कल हमने एस्थेटिक्स को देखा था कि हम किस तरह से एस्थेटिक्स को यूज कर सकते हैं अपने एक डिजाइन में, विजुअल अपीलिंग उसको बनाने के लिए। उसके अंदर अगर हमने अपीलिंग एक एलिमेंट डालना है, उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है विजुअली, तो हम किस तरह से बना सकते हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि हमने फंक्शनल के साथ साथ अपने डिजाइन को एस्थेटिकली भी लेके चलना। और हमने ये देखा था कि गुड डिजाइन उसी डिजाइन को कहा जाता है जो बोथ कैटेगरीज में फुलफिल कर रहा हो, यानी वो फंक्शनल भी हो और वो एस्थेटिक भी, एस्थेटिकली भी स्ट्रॉन्ग हो और फंक्शनली भी स्ट्रॉन्ग। फंक्शनली तो उसको स्ट्रॉन्ग या उसकी जो स्ट्रेंथ बनाता है एक डिज़ाइन की, जो स्ट्रेंथ है वो फंक्शनल उसकी रिक्वायरमेंट ही होती है बेसिकली। लेकिन अगर हमने एक डिज़ाइन को स्ट्रेंथन करना है विजुअली कि वो देखने में भी अच्छा लगे, वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, तो हम उसमें एस्थेटिक्स को यूज करते हैं, ठीक है, एस्थेटिकली उसको स्ट्रांग बनाते हैं। और एस्थेटिक्स को एक तरीके से यूज करना होता है। एस्थेटिक्स का भी मतलब ये नहीं है कि आप इररेलीवेंट चीजें उसमें डालते हो, या इररेलीवेंट सी शेप्स, या इररेलीवेंट से आप उसमें डिजाइन, वो जिसको कहते हैं ठूंसना, तो वो ठूंसते जाओ उसमें डिजाइन में, अपने पोस्टर में, या कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, तो उसका ये मकसद नहीं होता। एस्थेटिक का सिर्फ मकसद ये होता है कि एज मिनिमम और एज अट्रैक्टिव वहां तक आप उसको यूज करें जहां तक वो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, आंखों को अच्छा फील हो रहा है देखने में। तो चीजें जब तक विजुअली अट्रैक्टिव रहती हैं डिजाइन, तब तक अच्छा रहता है, ठीक है। फंक्शनल डिजाइन भी होना चाहिए और एस्थेटिकली भी वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने कल एक्सपीरियंस की थी कि हम किस तरह से अपने एक डिज़ाइन को स्ट्रांग बना सकते हैं, विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं या अट्रैक्टिव बना सकते हैं यूजिंग द एस्थेटिक्स, ठीक है। आज हम कुछ थोड़ा सा इमेज टेक्सचरिंग या यूजिंग एन इमेज इन द बैकग्राउंड, कि हम अगर किसी सॉलिड इमेज को बैकग्राउंड पे यूज करते हैं उसके साथ हम डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज कुछ उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे इन फॉर्म ऑफ इमेज टेक्सचरिंग। तो इमेज टेक्सचर पे आज थोड़ा सा काम करेंगे, यानी बैकग्राउंड पे अगर हम इमेज लेते हैं बगैर किसी कलर के या किसी और चीज के, तो पूरे बैकग्राउंड पे कैनवस पे अगर हम इमेज लें, तो फिर उस केस में हम किस तरह से डिजाइन लिखेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज आप लोग में थोड़ी सी ऑब्जर्व की है, एक चीज मैंने आप लोगों में थोड़ी सी ऑब्जर्व की है जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसे रीता ने हमें कल एक सेंड किया था पोस्टर बना के, उसमें रीता ने पिज़्ज़े का प्रोडक्ट को यूज किया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीता, उसमें थोड़ी सी आपकी अभी कलर स्कीम पे आपको काम करने का थोड़ा सा है, जरूरत है थोड़ी सी, और दूसरी अलाइनमेंट भी अभी आपकी ठीक नहीं हो पा रही, ठीक है। आपने अलाइनमेंट्स पे फोकस करना है, कलर स्कीम्स पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, आपने जो विजिटिंग कार्ड अभी लेटेस्ट बना के भेजा है ना, ऑरेंज और ब्लैक कलर स्कीम, मतलब उसमें कलर स्कीम ठीक है, वो ज्यादा न्यूट्रल पे काम चल रहा है, एक ही मजर कलर आपने यूज किया, वो ऑरेंज सा एक कलर है, बट उसमें जो आपने ऑरेंज से वो बनाया है ना ट्राइंगल टाइप, वो थोड़े अलाइनमेंट का उनमें इशू है विजिटिंग कार्ड में, कि उनको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करें, कोशिश करें कि वो ट्राइंगल ही प्रॉपर लगे, वो एक स्ट्रेट लाइन से फील हो रही है, बॉक्स सा फील हो रहा है, तो वहाँ पे आप उनको ट्राइंगल से कर सकते हैं, कोई और शेप यूज कर लें, बट उसकी अलाइनमेंट ठीक होने वाली है, ठीक है। अलाइनमेंट पे थोड़ा सा काम करें। जो दूसरा विजिटिंग कार्ड है जो आपने पहले सेंड किया था, उसमें तो कलर स्कीम का भी इशू है, उसमें आप स्किन टोन का एक कलर यूज कर रही हैं, प्लस आप ग्रेडियंट ब्लू यूज कर रही हैं और रेड कलर यूज कर रही हैं। आई थिंक सो जो आपने स्किन टोन कलर यूज किया आपको वो नहीं करना चाहिए था, उसको आप न्यूट्रल वाइट ही रखें, वो सही रहेगा। और जो ब्लू साइड, राइट साइड पे आपका जो ब्लू ग्रेडियंट है बैकग्राउंड,
उस पे आपने नेम लिखा है, डेजिग्नेशन लिखी है, नीचे आपने एड्रेस की चीजें दी है, उनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक है ना, उनको व्हाइट में करें, वो टोटली व्हाइट पे रखें, वो ब्लू के ऊपर ब्लैक कलर सही लग नहीं रहा। दूसरे पोस्टर में जो आपने लेटेस्ट कल सेंड किया पिज़्ज़े वाला जो FB पोस्ट है, उसमें नीचे जो आपने ऑर्डर नाउ का एक बटन दिया है उसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक है। ऑर्डर नाउ का ऊपर से स्पेस देखें, नीचे से स्पेस देखें, वो फर्क है ठीक है, उसको ठीक करें, वो स्पेसिंग का इशू है। प्लस आपने अलाइनमेंट जो दी है लेफ्ट से, जो आपने वो लिया ना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर उस पोस्टर में, वो भी लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है ठीक है, उसको अलाइन भी करें, उसकी स्पेसिंग को भी ठीक करें। बेसिकली आप में जो मेजर कमियां हैं ना इस टाइप रहता आपके डिज़ाइन में, नो डाउट आप बिगिनर हो, एमेच्योर लेवल पे हो, बट इसको हमने देखना है, इसको मैं आपको हाईलाइट करूंगा तब आपको चीज समझ आएगी। तो इसको आपने ज़्यादातर काम करना है, अपना फोकस रखना है कलर स्कीम पे, स्पेस एलिमेंट पे और अलाइनमेंट पे। आप अभी इन्हीं पोस्टर्स पे काम करो, न्यू बेशक अभी आप पोस्टर ना बनाओ, इन्हीं की अलाइनमेंट्स, इन्हीं की स्पेसिंग और इन्हीं की कलर स्कीम्स पे आप काम करो ठीक है। मैं आपसे स्पेशली नहीं कहता कि आप कोई न्यू पोस्टर अभी बनाओ ठीक है, अभी जो आपके पास दो विजिटिंग कार्ड है और एक ही पोस्टर है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना इनको पहले हम ठीक करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे ठीक है आपके केस। तो आपका अब ये टास्क है कि आपने इन्हीं को ना एडजस्ट करना है, इन्हीं को ठीक करना है, इन्हीं को अपडेट करना है और मुझे सेंड करनी चीज़ें ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पे काम करें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, कमिंग टू यू माहम, आपकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। आपने वो कोटेशन बना के सेंड की है जो, वो काफ़ी रेलिवेंट है, वो ठीक है, उसमें स्पेसिंग का भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं नज़र आया। आपके पहले पोस्टर्स में अलाइनमेंट का थोड़ा इशू था, वो जो कार्ड बिजनेस कार्ड आपने सेंड किए थे उसमें कलर स्कीम वाइज आप ठीक जा रहे हो, स्पेसिंग के हिसाब से आप ठीक जा रही हैं, बस आपका जो मेजर इशू नज़र आ रहा है ना मुझे, वो थोड़ा सा अलाइनमेंट का ही आ रहा था, वो भी अब आपने इस पोस्टर में काफ़ी हद तक उसको ठीक किया है। प्लस आपने जो लेटर स्पेसिंग का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, वो आपने ठीक कर लेना है, और आपने अब वो कल वाले पोस्ट से रिलेटेड अभी तक नहीं सेंड किया, तो वो आप उस पर काम करें, जैसे ही वो कंप्लीट हो आप मुझे सेंड कर देना, फिर हम उसको आगे देखेंगे। तो मेजर चीज़ें यही होती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जिसमें स्पेस, अलाइनमेंट और कलर स्कीम। अलाइनमेंट बेसिकली एलिमेंट नहीं है, अलाइनमेंट तो प्रिंसिपल है ना, अलाइनमेंट हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो एक ये प्रिंसिपल को आपने ठीक करना है, स्पेसिंग के एलिमेंट को ठीक करना है और अलाइनमेंट के एलिमेंट को ठीक करना है। अच्छा बिलाल, आप बताएं आपने कुछ प्रोग्रेस की है? सलाम अलैकुम अजीम भाई, वो ना वालेकुम सलाम, वो मुझे अभी अब्दुल्ला की कॉल आई थी। वजीम भाई मुझे ना पापा ने बाहर गया था, मैं 5 मिनट के लिए, तो मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी लेकिन वो चल ही नहीं थी अभी, इसलिए मैं बाहर गया था फर्स्ट तो वो, सॉरी। दूसरा ना हजीम भाई, लैपटॉप खराब हुआ था सैटरडे वाले दिन, आई थिंक नेट नहीं था सही चल रहा, तो उस दिन आपकी मैंने ज्वाइन कई बार की लेकिन वो नहीं हो रही थी, यहाँ हमारे ना नेट ऑफ था। और मंडे वाले दिन ना लैपटॉप मेरा खराब था, सही करना दिया हुआ था, तो वो कल ही लेके आया था, इसलिए अच्छा। भाई दो क्लासें नहीं मुझसे ली गई। अच्छा, आपने लेक्चर्स लिए, लेक्चर्स अपलोड नहीं YouTube पे? जी लेक्चर मैंने सैटरडे वाले दिन वाला देखा था, लेकिन ये मंडे वाला देखना है आज। और आपको ना इंशाल्लाह मैं अपनी असाइनमेंट ना कल वाली क्लास में सबमिट करवा दूंगा। हाँ ठीक है, वो जितनी आपसे हो सकती है ना, विजिटिंग कार्ड वाली करें सबसे पहले ठीक है। हाँ जी, विजिटिंग कार्ड वाली और एक मोटिवेशनल कोट वाली है ठीक है, जी ये हाँ दो जी तो जी करें ना ठीक है, ये दो जी कल ठीक तक करें ठीक ठीक है, बाकी भी हम जी आगे चलते। और जी इंशाल्लाह मेजर चीजें जो मैं बाकी सबको बता रहा हूँ ना, उन पे आपने भी फोकस रखना है ठीक है, ठीक जी स्पेस ठीक एलिमेंट, अलाइनमेंट का प्रिंसिपल और कलर स्कीम ठीक है। बाकी फॉन्ट तो आप लोगों को आई थिंक समझ आ चुकी हुई है, फॉन्ट्स की थ्योरी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो तीन टाइप के टाइप फेसिस हैं हमारे पास, सैरिफ, सेंस सैरिफ और डेकोरेटिव। और आप ये भी अब जानते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है, तो सैरिफ को हमने तब यूज़ करना है जब हम थोड़ा क्लासिकल सा डिज़ाइन बना रहे हैं, थोड़ा आर्टिकल टाइप डिज़ाइन है या थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप डिज़ाइन है, उसमें टेक्स्ट ज़्यादा यूज़ होना है ठीक है, तो ऐसी जगहों पे आप सैरिफ को यूज़ करें।
दूसरी आपके पास टाइपफेस होती है सैंस सेरिफ। जब आपने किसी डिजाइन में मॉडर्निज्म शो करना है, मॉडर्न डिजाइन है, तब आप सैंस सेरिफ पे जाएंगे। वेब डिजाइन हो गया, मोबाइल ऐप डिजाइन हो गया, या कोई और डिजाइन जो आप मॉडर्न क्रिएट कर, सैंस सेरिफ पे जाएं। और जब कोई आपका अट्रैक्टिवनेस का एलिमेंट आपने शो करवाना है अपने उसमें डिजाइन में या पोस्टर में, तब आप डेकोरेटिव पे जाएंगे। जैसे कल हमने डेकोरेटिव भी यूज की थी, दूसरी हमने सैंस सेरिफ की टाइप फेस यूज की थी। तो कल हमने ये भी देखा था कि हम मल्टीपल फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, बट तीन फॉन्ट्स से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश किया करें दो पे रहे, बट अगर तीसरे की जरूरत पड़ती है तो उसे यूज करें। बहुत ज्यादा अच्छी जरूरत पड़ती है तो यूज करें, वरना ना करें। दो या तीन एक्सेप्टेबल है, तीन से ज्यादा आप फॉन्ट यूज ना करें, फॉन्ट स्टाइल्स। तो आज हम आगे मूव करते हैं, अगेन प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, और कल एक थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल क्लास होगी हमारी, यानी कल एक प्रैक्टिकल लेक्चर होगा। उसमें हम लोगो डिजाइनिंग देख लेंगे और थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेंगे। परसों और उससे अगले दिन, मतलब 2 दिन, 2 से 3 दिन अब ऐसे होंगे कि जिसमें हम मीटिंग किया करेंगे सिर्फ आधे घंटे की या 40-45 मिनट की। उसमें ये होगा कि मैं आपको असाइनमेंट्स दे दिया करूँगा, ठीक है, और डेली बेस पे, और आपने मुझे यहाँ पे मीटिंग में आके शो करवाया करनी असाइनमेंट्स स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, और वहाँ पे हम डिस्कस किया करेंगे कि हर पर्सन के इंडिविजुअली कि इसमें ये इशू है, इसमें ये अपडेट कर लें, अपडेट कर लें। वो 3 दिन हम इस तरह निकालें। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इमेज टेक्सचरिंग को देखते हैं कि हम अगर बैकग्राउंड पे एक इमेज यूज करते हैं अपने डिजाइन के, तो फिर हम डिजाइन को आगे कैसे लेके चलते हैं। बेसिकली उसको इमेज टेक्सचरिंग ही कहते हैं। कैनवा पे आ जाते हैं और हम आज एक पोस्टर डिजाइन कर लेते हैं। हम यहाँ सर्च करेंगे पोस्टर, कुछ नहीं हुआ, पोस्टर। पोस्टर आपको किस टाइप का चाहिए, डबल साइडेड चाहिए? नहीं, हमने डबल साइडेड नहीं भी बनाना, हम इसको पोर्ट्रेट में बनाएंगे। पोर्ट्रेट होता है आपका सीधा, यानी जैसे आपका मोबाइल है ना, मोबाइल को जब आप सीधा पकड़ते हैं आपका पोर्ट्रेट व्यू होता है, और अगर मोबाइल को आप घुमा के पकड़ते हैं, मतलब स्क्रीन जब चौड़ी हो जाती है, तो वो आपका लैंडस्केप व्यू होता है। ठीक है, अगर स्क्रीन की लेंथ ज्यादा है या कैनवस की लेंथ ज्यादा है, इट मीन वो पोर्ट्रेट मोड में है। अगर स्क्रीन की विड्थ या कैनवस की विड्थ ज्यादा है, तो वो हमारा लैंडस्केप मोड होता है। जैसे हम सामने यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल को, इसमें अगर हम देखें, इसमें इस पिक्चर को अगर आप देखें, या ये पोर्ट्रेट में, ठीक है, आप साइड वाला देखें, इसकी लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है और चौड़ाई कम है इसकी, तो ये पोर्ट्रेट भी होता है। और इसके बिल्कुल साथ देखें वाइट बोर्ड, तो वो लैंडस्केप में, ठीक है, इसकी हाइट कम है, विड्थ ज्यादा है, ये लैंडस्केप भी होता है और ये पोर्ट्रेट भी होता है। तो अभी हम पोर्ट्रेट व्यू पे जा रहे हैं। पोस्टर हमें लैंडस्केप में भी बना सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं, हम पोर्ट्रेट में जाएंगे। आप लैंडस्केप में भी जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक चीज मैंने आप लोगों से और डिस्कस करनी थी, वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज है कि आपको जो मैं डिजाइन सिखा रहा हूँ या जो मैं आपको डिजाइन बता रहा हूँ या बना के दिखा रहा हूँ, शायद आप लोग पिकअप नहीं कर पा रहे या कोई इशू है। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे मैंने पोस्टर बनाया है वो ही एग्जैक्ट है, मतलब कि हमने जब भी आगे पोस्टर बनाना है वो उसी तरह बनाना है, ऐसे नहीं होता। डिजाइन में कोई भी चीजें स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, कोई भी चीजें ये नहीं होता कि यही करना है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल एक FB की पोस्ट क्रिएट की थी, तो एक स्टूडेंट जो हमारे साथ रिदा है, इन्होंने वीजा से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट की, ठीक है, लेकिन मुझे जो पैटर्न उसमें नजर आया ना, वो ये नजर आया कि ये कॉपी कर रही है चीजों को, मतलब मेरे पोस्टर में से उस तरह चीजें कॉपी कर रही है कि सर ने इधर थिंकिंग क्लाउड दिया तो मैंने थिंकिंग क्लाउड देना ही देना। ये इस तरह नहीं होता, आप खुद से क्रिएटिविटी लगाएं तभी आप खुद कुछ कर सकेंगे। मैं तो आपको देखें आज एक डिजाइन करा दूंगा, कल दूसरा डिजाइन करवा दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने करवा दिया तो आपने आगे जब भी क्रिएट करना है कुछ भी तो वो उसी पैटर्न पे चलना है, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं आपको सारी चीजों का अलग अलग से प्रैक्टिकल सेट करके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है।
अब जरूरी नहीं है कि हमने जब पोस्टर आना है बनाना है तो हम यानी बर्गर से रिलेटेड या फास्ट फूड से रिलेटेड जब हम पोस्टर या एड डिजाइन कर रहे हैं तो हमने बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट ही लेना जरूरी। मैंने लिया था बस फॉर द टाइम भी। आप कोई टेक्सचर इमेज भी ले सकते हो, आप कुछ और भी, मतलब आप पूरी एक इमेज पकड़ के भी आगे चल सकते हो। मसलन एक एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैं एलिमेंट्स पे जाके अगर बर्गर सर्च करता हूँ ठीक है, तो मैं बजाय इसके कि मैं पहले बैकग्राउंड पे चलूँ मैं पूरी एक इमेज ही पकड़ सकता हूँ। जैसे के फ्री अगर हम पकड़ लें फोटोज में से तो ये इमेज तो मैं इस तरह से भी एक पोस्टर आगे लेके चल सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ या एड डिजाइन कर सकता हूँ। अब जरूरी, अब इसमें तो मैंने कोई बैकग्राउंड पे इमेज नहीं ली, सॉरी बैकग्राउंड पे कलर नहीं लिया या कोई और चीज नहीं ली, या इस पे मैंने कोई एस्थेटिक और नहीं बनाया या कर्व नहीं लिया। तो जरूरी नहीं है कि आपने वो ही करना है जो मैं सिखा रहा हूँ और वो चीज उसी तरह हो सकती है, ऐसा नहीं है। एक चीज को करने के लातदार तरीके होते हैं और ग्राफिक डिजाइनर एक चीज को 10 तरीकों से करना जानता होता है ठीक है। मतलब आज अगर आप मुझे दोबारा से कहेंगे ना कि हमें वही पोस्ट दोबारा बना के देना है तो आज मैं किसी और स्टाइल में बनाऊँ ठीक है, परसों कहेंगे ना कोई और स्टाइल में बनाऊँ। तो जरूरी नहीं है कि हम, मैंने जो आपको यहाँ पे चीज दिखाई है या स्टाइल बताया है वही आपने फॉलो करना है और वही हार्ड एंड फास्ट है और उससे अलावा उससे बाहर हम जा नहीं सकते, ऐसा नहीं। हमने चीजों को अपने हिसाब से क्रिएटिव बनाना सीखना ठीक है। अब आपको लगता है कि ये पोस्टर यहाँ पे किसी और तरीके से हो सकता था या इस कलर में कोई और चीज हो सकती थी या कोई और एस्थेटिक भी यूज हो सकता, आप करें वहां पे, आपको कोई रोक नहीं रहा ठीक है। ऐसा आपने कभी करना नहीं है कि जो पैटर्न मैंने आपको बता दिया तो आगे क्लाइंट आता आपके पास या कोई आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो तो आपने समझना है कि यही पैटर्न है तो ऐसे ही करना है, नहीं वो आपने इसको करना है। और ये चीज आपकी प्रैक्टिस अब होगी जो आगे 3 दिन आपके प्रैक्टिस के आ रहे हैं ठीक है, 3 से 4 दिन जो आपके प्रैक्टिकल के आगे आ रहे हैं इसमें मैं आपको यही चीजों पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक चीज को आपको पहले कहूंगा बनाओ ठीक है, फिर मैं आपको कहूंगा कि यही थीम मतलब यही कॉन्सेप्ट अब डिफरेंट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह सकता हूँ कि हमने एक बनाना है मोटिवेशनल कोट पे कोई डिजाइन ठीक है, तो कोई मोटिवेशनल कोट ढूंढे उस पर एक डिजाइन बना के लाए। जब आप अगले दिन बना के लाएंगे फिर मैं आपको कहूंगा कि यही सेम मोटिवेशनल कोट रखनी है, डिजाइन अब सेम नहीं होना चाहिए, 100% 180 डिग्री पे होना चाहिए डिजाइन, न्यू होना चाहिए ये, इसका कोई एक चीज में मुझे उसमें नजर ना आए। तो उससे फिर आपकी प्रैक्टिस होगी कि हम एक चीज को क्रिएटिविटी की बेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कैसे कर सकते हैं ठीक है। तो एक पैटर्न को हमने कभी फॉलो नहीं करना होता, रूल्स को सिर्फ फॉलो करना होता है और एलिमेंट्स को सिर्फ फॉलो करना होता है। रूल्स आपको पता है पर्सपेक्टिव रूल्स हैं, वो उसकी अभी हम अभी तक हमने ट्राई नहीं की पर्सपेक्टिव की, वो डीप टॉपिक है और वो कैनवा पे आई थिंक सो अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा मुझे। पर्सपेक्टिव रूल्स जो हमने एरियल पर्सपेक्टिव और लीनियर पर्सपेक्टिव पढ़े थे, बाकी जो रूल्स हैं प्रॉक्सिमिटी रूल है, रिदम का एक प्रिंसिपल था हमारे पास, प्रिंसिपल बेसिकली रूल को ही कहते हैं, और थे हमारे पास 3 4 हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स, उनको सिर्फ हमने फॉलो करना है, उनको सिर्फ देखना है ठीक है, और एलिमेंट्स को हमने जेन में रखना है। जैसे अलाइनमेंट भी एक रूल है, अलाइनमेंट एक प्रिंसिपल है ग्राफिक डिजाइन का, अलाइनमेंट कोई वो नहीं है क्या उसे कहते हैं एलिमेंट, अलाइनमेंट एक प्रिंसिपल है रूल है। 3 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई चौथी एक होती है। तो अलाइनमेंट का एक प्रिंसिपल है, रिदम का प्रिंसिपल है, प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल है, और भी आपके पास पर्सपेक्टिव का एक प्रिंसिपल होता है आपके पास, बाकी आपके पास एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में से मेजर और इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपके पास स्पेस एलिमेंट है, कलर एलिमेंट है और टाइपोग्राफी एलिमेंट है। तो इन चीज़ों को हमने मद्देनजर रखना होता है ठीक है। बाकी आप बनाएं जिस तरह का मर्जी पोस्टर, एट द एंड ऑफ द डे ये सारे प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो हो रहे होने चाहिए, दैट्स इट नथिंग एल्स। तो आज हम थोड़ा सा चलते हैं टेक्सचरिंग वाली साइड पे कि हम इमेज को पूरे एक इमेज को बैकग्राउंड पर रख के आगे कैसे चल सकते हैं। तो हम एक ना
क्लॉथिंग ब्रांड के लिए एक बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पोस्टर एक, ठीक है, क्लॉथिंग ब्रांड के लिए. उसमें हम न्यू अराइवल दिखाना है हमने, जैसे के लिए न्यू अराइवल स्टाफ दिखाना है उसमें हमने. और हमने एक वहाँ पे हेडलाइंस या उसमें एक एलिमेंट या सॉरी एलिमेंट कह रहा हूँ, एक चीज़ रखनी है के 30% पे या 50% ऑफ पे आपकी कोई सेल है फॉर ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है. ये हमारा बैकग्राउंड है. बैकग्राउंड में दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा सा रिफाइन करके. हमने ये करना है कि क्लॉथिंग ब्रांड के लिए एक पोस्टर बनाना है, ठीक है, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट पोस्टर. उसमें हमने जो उनका न्यू अराइवल स्टफ है, ठीक है, जो उनके न्यू अराइवल क्लॉथ्स हैं उस पर वो 30% या 50% ऑफ दे रहे हैं अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है. तो उस पर वो अपने न्यू अराइवल स्टाफ पे 50% ऑफ दे रहे हैं, वो सेल आई. तो ये हमने हमारे पास बैकग्राउंड है, इस पर हमने एक पोस्टर भी देखा. अब जब देखें आप इमेज बैकग्राउंड पे जा रहे हैं ना, या अब देखिए मैंने आपको बताया क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है. जब क्लॉथिंग ब्रांड है तो दो चीज़ें एसोसिएशन पे चलेंगे आप, या तो आप उसके जो बैकग्राउंड पे इमेज यूज कर रहे हैं उसके कलर्स क्या हैं, ठीक है. दूसरा आप उनका लोगो देखेंगे कि जहाँ इनका लोगो क्या है, ठीक है, इनके लोगो में कलर क्या है. तो हम अभी लोगो वाले साइड पे नहीं जा रहे, ठीक है, दोबारा करते हैं. अभी हम न्यूट्रल चलते हैं एक पिक्चर लेके, ठीक है. लोगो सुनते हैं, हम न्यूट्रल कलर वाइट में लगा देंगे तो, ठीक है, जो भी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. अब हमें पता है कि जो क्लॉथिंग ब्रांड है न्यू अराइवल, हमने कपड़ों पे दिखाना है, तो हमें क्लॉथ से रिलेटेड कोई इमेज चाहिए. हम करने लगे इमेज, हमने हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं. हम ये आपने भी ये समझना कि कल को मेरे पास फ्यूचर में क्लॉथिंग ब्रांड के लिए आया पर्सन, तो सर ने हमें इमेज स्ट्रक्चर भी करवाया था, तो हमने इमेज स्ट्रक्चर भी करना है. नहीं, हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं. मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली चीजें करके दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे हो सकता है. अब वो भी हार्ड एंड फास्ट पैटर्न या रूल्स भी आपको मैं भी बता रहा हूँ कि आपने क्लॉथिंग आएगा या फास्ट फूड आएगा तो ऐसे बनाना है, क्लॉथिंग का ब्रांड आएगा तो ऐसे बनाना है, नहीं वो जरूरी नहीं है, ठीक है. ये जब मैंने एक फील की थी आप लोगों में कि थोड़ा सा आप लोग शायद इस चीज को ऐसे समझ रहे हो कि हमने वो ही करना है, अभी सबने करवाया, ऐसा नहीं है. क्रिएटिविटी आपने खुद की लगानी है, मेरी चीजों को फॉलो नहीं करना है, ठीक है. आपने सिर्फ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ठीक है. मैं आपको प्रैक्टिकल सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, देखो ये चीज ऐसे होती है. अगर इन फ्यूचर आपकी अपनी मर्जी है, आप इमेज टेक्सचर से बनाना चाहो बनाओ, आप ग्रेडियंट से बनाना चाहो बनाओ, आप कोई और तरीके से, आप सिंपल से टाइपोग्राफी यूज करके कुछ बनाना चाहते हो, या सिंपल आप कोई लाइन एलिमेंट यूज करके बनाना चाहते हो, आप बनाओ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं. मैं आपको सिर्फ जो हमने चीजें पढ़ी है ना उनको सिर्फ इनफॉर्म प्रैक्टिकल देखने को कहा. तो हम मूव करते हैं आगे, एलिमेंट्स पे जाते हैं. हमें अब क्लॉथ से रिलेटेड, क्लॉथिंग से रिलेटेड कोई एक इमेजेस चाहिए थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे सिंपल एलिमेंट्स पे जाके क्लॉथ सर्च कर लेते हैं. हमें ग्राफिक्स भी चाहिए, मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था ग्राफिक्स में और फोटो में क्या फर्क होता है, कि थोड़े एनिमेटेड होते हैं ग्राफिक्स, ठीक है, और फोटो आपकी रियल क्लिक कैमरा से फोटो ली हुई होती है. तो हमने इमेज बैकग्राउंड पे इमेज यूज करनी है एंड ग्राफिक्स आपके आर नॉट द इमेज, ठीक है. ये एनिमेटेड आप इसको कह सकते हो, एलिमेंट बट ये इमेज नहीं होते, ठीक है. हमें चाहिए फोटोज, तो फोटोज में से हम देखेंगे, ठीक है. हम इमेज पे जा रहे हैं, दीज आर इमेजेस. अब हमने क्लॉथिंग से रिलेटेड कोई एक इमेज सेलेक्ट करनी है, जो भी हमें बेटर लगे, जो भी हमें अच्छी लगे. हमने क्लॉथ्स लिखे, हम क्लॉथिंग स्टोर देखें, क्लॉथिंग स्टोर कीवर्ड. अब ये कहना ना आपको खुद ही ऊपर थोड़े से कीवर्ड सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन योर रिसर्च, तो जो मोस्ट ज्यादा रेलिवेंट कीवर्ड होता है वहां पे जाते जाए आपको ज्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपके डिजाइन से लेके. तो हमें बेसिकली क्लॉथिंग स्टोर का एक चाहिए थोड़ा सा टच, जैसे ये इमेज जो इमेज देखते जरा अच्छी लगी, तो इसको हम बैकग्राउंड पे यूज कर सकते हैं. हम इसमें कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं, तो मसला नहीं है. आपको जब मैं कहता हूँ ना कि असाइनमेंट बनाए, तब तो आपने ये देखना ये ना ढूंढा करें कि सर ने ये एलिमेंट यूज किया था, मैं भी वही यूज करूँ. आपके पास लातदाद और ऑप्शन है, आप इस पे जाएंगे, ठीक है. मैं फॉर द टाइम में, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है, 2 घंटे में करना होता है मेरे सारा से, तो फिर मैं थोड़ा फास्ट चलता होता हूँ. आप थोड़ा स्कूल से तो हम उनसे जीने के क्लियर करें.
सोच के हर चीज को डीपली सोच के कि मैं इधर क्यों लगाऊं, इसको लगाऊं या ना लगाऊं, तब चला करूं। तो मैं हम इसको ले लेते हैं थोड़ा टाइमिंग, हम जस्ट स्टार्ट लेते हैं अपना। अब ये मुझे बैकग्राउंड पे चाहिए इमेज, ठीक है, यानी मुझे मेरे पूरे कैनवस पे ये इमेज होनी चाहिए। दो तरीके हैं, या तो आप इसको फुल एडजस्ट कर लें पूरे बैकग्राउंड पे, ठीक है, पहले इसको ड्रैग कर लें, बाकी फिर आप इसको अलाइन कर सकते हैं ड्रैग करके। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, तो ये तरीका आप इसको ऐसे बैकग्राउंड पे लेके जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इमेज ले आए, ठीक है, इमेज पर राइट क्लिक करें, आपको वो खुद ही ऑप्शन देगा सेट इमेज एज बैकग्राउंड, तो आप वो कर लें, ठीक है, वो खुद ही आपको कर देगा सेट करके ना बैकग्राउंड पे, जो बेस्ट पॉसिबल होनी चाहिए ना वो आपको देगा, ठीक है। तो बेटर ये सोल्यूशन है कि आप इसको बैकग्राउंड कर लें। अब हमने इसके ऊपर टाइपोग्राफी करनी है और कोई इस तरह एलिमेंट या मैं एस्थेटिक अगर यूज करने के लिए तो हम कर लें। तो अगर मैं इस पे लिखूं अब कोई टेक्स्ट पॉइजन, टेक्स्ट मैं लिखता हूँ, मैं सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ इधर, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं वाइट पे जाऊँ, ठीक है, कलर पे। दूसरा क्या हो सकता है मेरे पास कि मैं ब्लैक पे जाऊँ, जैसे हमने ब्लैक को ट्राई किया व्हाइट पे ट्राई, तो अब इन दो में से हम, अच्छा और भी कोई आप कलर यूज कर सकते हैं। अच्छा अब आपके ना कलर में आप इमेज यूज की है बेसिकली अपने इसके ऊपर, तो जब आप जाएंगे ना कलर्स पे आपको देखिए यहाँ पे कैमरा खुद बताएगा कि आपने ये फोटोज यूज किए हैं, ये फोटो यूज किए, उस फोटो के अंदर ये फलां कलर है, ठीक है। इनमें से कोई आप कलर लगाना चाहो, फोटो का कोई कलर यूज करना चाहो आप कर सकते हो, बेस्ड ऑन के कैसा कंट्रास्ट जा रहा है, ठीक है। इसमें हमने कलर स्कीम तो जारी बात है कुछ सिलेक्ट की नहीं, क्योंकि हम चल रहे हैं ऑन द बेस ऑफ फोटो, तो हम ऐसे चलेंगे। अब फोटो के कलर्स में से मुझे कोई ऐसा कलर लग नहीं रहा, ठीक है, तो आपको एक पता है कि जब कलर ना मिल रहा हो तो फिर न्यूट्रल कलर ही चलते हैं। अब लाइट पे हमने लाइट है पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो हमने अगर आगे भी लाइट रख दिया तो लाइट और लाइट का तो कंट्रास्ट होता नहीं है, लाइट लाइट का कोई कंट्रास्ट नहीं, लाइट डार्क का कंट्रास्ट होता है, हमें न्यूट्रल ब्लैक पे जाना पड़ेगा ब्लैक पे, ठीक है, ताकि हम कंट्रास्ट बना सकें। अच्छा अब आप एक और
थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुझे बताएं बिलास, स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई और पर्सन क्लियर कर दे स्क्रीन के बारे में। सर स्क्रीन नहीं शेयर। आई थिंक अब हो जाएगी, अब हो रही है ना? हाँ जी हजीम भाई, अब हो रही है। ओके अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हमने बैक पे इमेज ली है, इमेज टेक्सचरिंग पे हम जा रहे हैं और हम कंट्रास्ट पे बात कर रहे थे कि हम वाइट के वाइट को यूज नहीं कर सकते एज अ टेक्स्ट इधर, ठीक है, क्योंकि हमें कंट्रास्ट चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा ब्लैक। बट अगर मैं थोड़ा सा इमेज को अगर हम इसकी ब्राइटनेस कम कर दें इस तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा टेक्स्ट थोड़ा सा, तो ब्राइट थोड़ी सी ज्यादा है इमेज, इसको टेक्स्ट को और प्रोमिनेंट बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा इसका ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस। तो इस पर क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, एडजस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास है कल भी बताया था इफेक्ट्स में से आप इफेक्ट यूज कर सकते हैं इमेज पे, एक फिल्टर लगाना चाहते हैं अगर, जैसे अगर मैं इस फिल्टर को लगाने की ट्राई करूँ तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप फिल्टर के बाद कुछ इफेक्ट्स देना चाहते हैं, शेडोज देना चाहते हैं, ऑटो फोकस, ब्लरी से कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, ब्लरी सा इफेक्ट, ठीक है, इंटेंसिटी कुछ है, कितना ब्लर करना है, कितना नहीं करना, थोड़ा सा हम उसको नहीं देते हैं ब्लर की जरूरत नहीं, पहले से इमेज थोड़ी ब्लरी सी है जितनी चाहिए। तो अब हमें इसको बेसिकली एडजस्ट करना है, क्रॉप में आपको पता है उसको क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट में हमें टेम्परेचर मिलता है। सर मुझे आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट में दोबारा से। अब बताएं हो रही है? यहाँ मेरी तरफ से तो स्टार्ट हो चुकी है। नहीं अभी भी नहीं हो रही। आप एक तरफ रीज्वाइन करके देखेंगे क्योंकि मेरी तरफ से तो स्टार्ट हो गई। बिलाल आपको हो रही शेयर स्क्रीन? जी जी अजीम भाई मुझे हो रही है। जी अब हो रही है। अच्छा हम इसको कर रहे थे थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस को कम करना चाह रहे थे, तो इसका तरीका क्या है, इमेज पे क्लिक कर देंगे, एडिट फोटो पे आ जाएंगे, अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप इमेज पे आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं कोई, या कोई शेडो इफेक्ट या कोई और किसी का इफेक्ट यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एडजस्ट पे हमें टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर मतलब आप किस कलर को ज्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, जैसे इस टाइम इसमें ज्यादा कलर प्रोमिनेंट जो येलो इस टाइप है ना, तो अगर हम इसे रिमूव करते जाएंगे तो जिस कलर पे आएगा वो कलर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा इस पूरी इमेज। तो अभी हमें जो जैसे है वैसे ही ठीक है। टेंट का ये होता है कि अगेन ये भी कलर बेस्ड होता है, टेंट आप कौन सा कलर को इन सेंस किया आप उस पर यानी कि उसको ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, तो उनसे कलर को ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, तो वो कलर आपका ज़्यादा ट्रांसपेरेंट साउथ हो जाएगा, क्योंकि टेंट इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि कई सी जगह पे आपको मिल जानी चाहिए। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस में आपको पता है कम ज़्यादा होती है इसकी, तो ये हमें थोड़ी भी कम चाहिए, थोड़ी सी इतनी काफ़ी है। ऊपर कंट्रास्ट का आपको पता है इसके बाद कंट्रास्ट बेसिकली कलर्स का कॉम्बिनेशन सेट करना होता है, वो कुछ नहीं, ये चीज़ें ऐसी भी नॉर्मली आपको पता होंगे, हाईलाइट्स में कौन सी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करनी, शेडोज पे बेसिकली ब्लैक्स पे काम करता है, जो ब्लैक एरियाज होते हैं उन पर काम करता है।
शेडोज में आपको शेडोज कितने चाहिए, जैसे इसमें कोई इस तरह का एलिमेंट है जो शेडो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बाज है नहीं। वाइट्स में आपके अगेन वाइट टेक्सचर कितना आपने रखना है, और ब्लैक्स में ब्लैकिश टेक्सचर आपने देखा। तो आप इस इमेज को भी एडिट करना चाहें आप यहाँ से आके एडजस्ट कर सकते हैं। वाइब्रेंस आपका कलर होता है, बेसिकली कलर को कितना डार्क रखना है, कितना कम कलर्स की इंटेंसिटी रखनी है, कितनी डार्क रखना है कलर्स को, ये चीज़ होती है वाइब्रेंस। सैचुरेशन आपको कलर को मिक्सिंग कितनी करनी है कलर की, ठीक है। तो ये आपको ड्रैग एंड ड्रैग करके राइट लेफ्ट की चीज़ों को अगर आप किस जगह पर एडजस्ट करना चाहें तो इमेज को आप कर सकते हैं। टेक्सचर में इसका शार्पनेस कितनी रखनी है, कितना ये शार्प हो, देखें मैं फुल करता हूँ, फुल शार्प हो रही है, जैसे ये आपको नजर आ रही है करेक्टर लाइन से बनी हुई है, ये लाइन है ट्रायंगल, ये शार्प हो गई बहुत ज़्यादा, पिक्सेलेट हो जाती है। क्लैरिटी में हमें कितनी क्लियर चाहिए, कितनी ब्लरी सी चाहिए इमेज, उसको हम देखते हैं। विंटेज में हमें साइडों से थोड़ा सा इफेक्ट मिलता है ब्लैक का, जैसे आपको आ रहा है ना ये ब्लैक थोड़ा सा, ये चारों साइडों से इकट्ठा आता है इन विंटेज, तो ये हमें देखना अभी नहीं। और एक किसी पॉइंट पे जाके आप रीसेट करना चाहते हैं सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, रीसेट पे क्लिक करें सारे कुछ ऑटोमेटिक रीसेट हो गई, जैसे हमने ब्राइटनेस कम किए थे रीसेट हो, पर हमें तो उसमें ब्राइटनेस वो एडजस्ट हो, तो ये ब्राइटनेस हमें रखी नहीं करेंगे। तो अब हम इस पर थोड़ा सा टेक्स्ट करेंगे, आपको बैकग्राउंड का पता है कि हमने इस पर क्या रखना है, क्या चीज़ इस पर क्रिएट करनी है। हमने बेसिकली सेल ऑफर क्रिएट करनी है ऑन न्यू अराइवल स्टफ, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें अप टू या सेव अप टू करके इस तरह का वो फ्लैट 50% ऑफ दिखाना है फॉर ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है। ये चीज़ें इंग्लिश में सारा कुछ हमने टाइपोग्राफी से मेजर नहीं चीज, तो स्टार्ट करते हैं। और टाइपोग्राफी में अब हम ये देखेंगे कि कौन सा टाइप फेस यूज़ करनी है, तो टाइप फेस को हम यूज करते हैं। अब क्योंकि हमें हमारा थोड़ा सा क्लासिकल सा डिजाइन है, थोड़ा सा फैशन और थोड़ा सा ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह की चीजें, तो इनमें ज्यादातर जो सेल्फ टाइप फेस यूज होती है, जहाँ पे आपका थोड़ा सा ब्यूटी का काम हो, फैशन का थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीजें हो, या आपका थोड़ा क्लासिकल सा डिजाइन आपने लिखा, तो सेरिफ यूज कर सकते हैं। अगेन मॉडर्निज्म के लिए आप सैंस सेरिफ के साथ यूज कर सकते हैं, तो हम दोनों को यूज करेंगे। सेरिफ हम रखेंगे थोड़ा क्लासिकल टच देने के लिए चीज़ों को, मेन हाईलाइट को हम ऐसा करेंगे सेरिफ में रखेंगे, सेरिफ टाइप फेस का कोई फॉन्ट यूज कर लेंगे, और जब हमने बाकी और थोड़ी सी टाइपोग्राफी करनी है वो थोड़ी थोड़ी चीजें हम सैंस सेरिफ में रखेंगे। तो अब क्योंकि सैंस सेरिफ हम मॉडर्निज्म भी हमें चाहिए, तो दोनों का टच चाहिए, क्लासिकल का भी और मॉडर्न का भी, तो दोनों हम यूज करेंगे सेल्फ की और साइंस में। तो पहले हम रख लेते हैं अपने जो हमारी ये टैगलाइन है न्यू अराइवल, इसको हम फिलहाल के लिए सेंटर में रखते हैं, सेंटर में इसको लाइन देते हैं फिलहाल, या ऊपर कर लेते हैं बाद में लाइन में कर लेंगे। तो इससे अब हम रखते हैं इसमें सेरिफ, तो सेरिफ का कोई भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं सेरिफ का, मैं सीएनजी पे जा रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन होता है, गैरामनी होता है, बास्कविली होता है, तो काफ़ी फॉन्ट्स होते हैं आपको मिल जाएंगे, मैंने आपको दी हुई है वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे पॉपुलर फॉन्ट्स सेरिफ के सेंस सेरिफ के उन्होंने बता दिया। मैं यहाँ पे सीएमयू करके होता है, सीएमयू सेरिफ इसको यूज कर लेते हैं, ये सैंस सेरिफ का, सॉरी ये सेरिफ का है, सेरिफ टाइप फेस का है। अच्छा अब मैंने जैसे ही ये फॉन्ट ये वाला यूज किया ना, ये थोड़ा डल हो गया है, यानी ये इसके ऊपर हालांकि ये ब्लैक है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा देखने में इसको मुश्किल आ रही है। तो इस तरह की चीज जब हमें प्रॉब्लम आ जाए ना, ये थोड़ा सा फॉन्ट चीज़ों के साथ इस तरह से हो के टाइप फेस भी हमने सही यूज़ किया लेकिन फिर भी थोड़ा सा विजुअली वो नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम एक लेते हैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, ठीक है। मैं मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं एक यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ स्फीयर एलिमेंट बॉक्स या स्फीयर, लेकिन मैं स्फीयर एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है।
इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, जो तो इसके ऊपर मैं ही लिख देता। तो अब थोड़ी सी ना मेरी विजुअली अपीलिंग बढ़ रही है, बट क्योंकि डार्क है इसको थोड़ा सा हम ब्लैक पे करके थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। इसके ऊपर फिर हम टेक्स्ट अपना लिख लेंगे। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर मैं वाइट टेक्स्ट यूज करूँ, वाइट के पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक हो गया, मैं इसको व्हाइट पे यूज करूँ तो ये सही लगेगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्लैक ही रखें, इसको थोड़ा सा मैं व्हाइट करूँगा, इसको व्हाइट पर ट्रांसपेरेंस, ये भी हो सकता है। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को यूज किया जाए ताकि हमारा जो फॉन्ट है ये जो हमारा ये पढ़ा जा सके। लेकिन जैसे मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट खत्म करता हूँ, ये पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट इसलिए हम यूज कर सकते हैं ज्यादातर अपने फॉन्ट्स को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में आता है, फॉन्ट हाईलाइट हो जाते हैं थोड़ा सा, और इसको अगर हम कम ट्रांसपेरेंट करें तो यहाँ पे ये चलेगा, या इसका कलर हम थोड़ा ग्रेश करके देख लेते हैं क्या इफेक्ट करते हैं। इसे भी यूज किया जा सकता है। जैसे जैसे हम डार्क की तरफ जाते जा रहे हैं ना, हमारी विजुअल कम होती जा रही है, इसकी विजुअलाइजेशन कम होती जा रही है हमारे फॉन्ट की। मैं इसको वाइट पे ही रखना चाहिए। अच्छा, अब एक इसको थोड़ा सा इफेक्ट अगर हम दें, इसका बॉर्डर एक लगा दें, अगर यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि है तो बॉक्स ही ना, जैसे बॉक्स पे जाते हैं, यहाँ से आएंगे बॉर्डर स्टाइल पे, आप ये नन पे है इस टाइम पे, सर्कल एक मिनट, ये नन है। आप कौन सा डैश बॉर्डर लगाना चाहते हैं, सॉलिड या जिस टाइप का भी हो आप सिलेक्ट करें। बॉर्डर का वेट आप रखें, कितना वेट रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा सा वेट रखा है, अब ये आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही बॉर्डर नजर आएगी क्योंकि बॉक्स ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, यानी इसको मैं कम ट्रांसपेरेंट, तो बॉर्डर भी ज़्यादा सॉलिड होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है, क्योंकि हमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहिए अपने टेक्स्ट को विजुअल लाइज करवाने के लिए। तो बॉर्डर मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, बॉर्डर वेट थोड़ा कम कर लेते हैं, 10 पे देखते हैं कितना हो गया। आई थिंक 10 पे इज इनफ। मैं थोड़ा जूम आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारा बॉर्डर वेट आ रहा है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर हमारा एलिमेंट है ऑफ टाइपोग्राफी, सही। तो अब हमें ये चीज यहाँ से मिली है कि हमने जितनी टाइपोग्राफी करनी है इस इमेज पे, बेसिकली हमने करनी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट के ऊपर ही है, वरना अगर हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हटा देंगे तो हमारी टाइपोग्राफी विजुअली अपीलिंग नहीं रहेगी। तो विजुअली उसको अपीलिंग बनाने के लिए या उसको सही तरह फोकस में लाने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ब्राइटनेस को और कम कर दें तो ये और नुमाया हो जाएगा इमेज ब्राइटनेस को, ठीक है। थोड़ा सा हमने और कम किया है, 25 पे लेके गए 15 से, 25 पे या 26, खैर आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हमें 20 में रख लेना चाहिए सर, 15 से 20 पे आ गए तो ये अच्छा है, इनफ है, इतनी ब्राइटनेस ठीक है हमारे लिए। हमारा ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट की वजह से फॉन्ट भी हमारा नुमाया हो रहा है। प्लस अब हम इसको थोड़ा सा जो हमने बॉर्डर दिया ना, ये जो बॉर्डर दिया इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर, ठीक है, क्लिक करें एंड जो आप कलर रखना चाहते हैं बॉर्डर का वो रख लें। जैसे मैं इस टाइम पे नो प्रोमिनेंट रखना है थोड़ा सा बॉर्डर को, तो मैं ब्लैक पे ही जाता हूँ तो ये ठीक रहेगा, या थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं, थोड़ा हल्का ब्लैक, ये वाला ग्रे स्टाइल, ये इनाफ है, ठीक है। अगर मैं अब अपने साथ ही बॉर्डर को राउंड भी करना चाहता हूँ, इसके कोने राउंड करना चाहता हूँ सारे, तो मैं सिंपल यहाँ आऊंगा, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल पे, जैसे मेरे पास बॉर्डर वेट था इसे बस इसी तरह मेरे पास कॉर्नर राउंडिंग है, मैं जितने राउंड करना चाहता हूँ मैं कर सकूँ। थोड़े से राउंड हुए अभी, थोड़े से अगर और हम राउंड कर लें, अराउंड 30 तक जाते हैं अगर, तो ये अब हमें थोड़े से राउंडेड नज़र आ रहे हैं इसके, ठीक
कॉर्नर इसके राउंड ही रहते हैं, ये भी एक अच्छा इफेक्ट साइड देगा इसमें। तो अब हमारा एक थोड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमने इसको अपीलिंग बनाना है अपने टेक्स्ट को, उसके लिए हमें पता है कि हमने ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट पे जाना है। थोड़ा सा अगर मैं ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट बढ़ाऊँ थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, तो ये फील भी होगा कि ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा और इसके ऊपर लिखा हुआ कोई ना कोई टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे जितना भी टाइपोग्राफी करेंगे इसके ऊपर करेंगे। तो हमने हेडलाइन ली न्यू अराइवल की, CMU सेरिफ मैंने फॉन्ट यूज किया, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन करके दिखा देता हूँ आपको, वो भी सेरिफ फॉन्ट होता है, तो टाइम्स न्यू रोमन ये भी सेरिफ फॉन्ट है, आप इस पर भी आ सकते हैं। ठीक है, बट हम इस पे जाते हैं CMU सेरिफ पे, कोई भी आप कर सकते हैं। तो अगेन थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, लेटर एक दूसरे से दूर लग रहे हैं, तो हमें पता है थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग को हमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दूर भी नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा करीब भी नहीं चाहिए, बड़ा नॉर्मल से स्पेस चाहिए, थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पे आई थिंक सो के। ठीक है, अब हमारे सेल है किसके ऊपर सेल है, न्यू अराइवल के ऊपर सेल है। ठीक है, तो मुझे लिखना चाहिए सेल ऑन न्यू अराइवल, बट मेरी टैग लाइन है न्यू अराइवल सिर्फ। ठीक है, सेल ऑन मैं ऊपर स्मॉल एक लेके ना थोड़ा सा टाइपोग्राफी को थोड़ा स्मॉल टेक्स्ट या फॉन्ट साइज में लेके मैं यूज करूँ। पहले तो इसको अलाइन करें सारे को, ये अलाइंड है, ये भी अलाइन होना चाहिए हमारा बॉक्स के साथ, ये भी अलाइन है हमारा, ठीक है सेंटर। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा इस पे करना है सेल ऑन लिखना है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊँ विड्थ वाइज, ये और प्रॉब्लम क्योंकि हमने वाइट स्पेस का थोड़ा स्पेसिंग का भी ख्याल रखना है। पहले मैंने पहले जैसे था ये थोड़ी सी स्पेसिंग मुझे कम लग रही थी कि थोड़ा सा ना ये कंजेस्टेड सा लग रहा था बॉक्स के अंदर न्यू अराइवल लिखा हुआ, तो मैंने बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, बड़ा इसलिए किया कि थोड़ी सी इसकी जो स्पेसिंग है ना साइड से वो थोड़ी सी कंजेस्टेड ना लगे, बॉक्स के अंदर लिखी हुई चीज़ जो भी है कंजेस्टेड ना लगे। तो अभी हमें लिखना है न्यू अराइवल के ऊपर सेल्स ऑन, यानी सेल ऑन न्यू अराइवल इस तरह का हमने बनाना है। तो हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं और उसमें हम यूज कर लेंगे सेंस साइज की कोई भी, हम सबसे पहले लिखते हैं सेल ऑन। ठीक है, सेल ऑन का हमने यूज किया, हमें इसको थोड़ा सा ना बोल्ड में हमें फिलहाल के लिए अनबोल्ड करते हैं, हेलवेटिका यूज कर लेते हैं, सेंस साइज का एक फॉन्ट है हेलवेटिका। हेलवेटिका वर्ल्ड हम यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव दिखाना है, तो इसमें अब आप करेंगे प्रैक्टिसिंग अपनी जितनी आप चाहें, मैं इसको थोड़ा सा इधर रखूंगा सेल ऑन को, थोड़ा सा इसमें लेटर स्पेसिंग बढ़ाऊंगा, लेटर बहुत साथ साथ मिले, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ लेटर थोड़े से साथ मिले हमें, मुझे इतने ज़्यादा साथ हैं चाहिए लेटर, मुझे थोड़े से दूर दूर चाहिए यहाँ तक कि नाप कर, ये इनाफ है। मैं इसके ऊपर सेल ऑन लिखा मैंने, ठीक है थोड़ा सा साइज को और कम देखते हैं, सेल ऑन नेक्स्ट अराइवल। ठीक है, ये चीज हमने अचीव की। अब मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आइडिया आया इन सेंस ऑफ क्रिएटिविटी कि हम अगर यहाँ पे इसकी साइड्स पे लाइंस लगा दें, सिंपल लाइन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, अगर हम इसको सिंपल छोड़ते हैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं डिस्टेंस को, स्पेसिंग को, सेंटर है ये, थोड़ा सा फॉन्ट साइज और कम कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ इसके रखते हैं, अब लाइंस लगाते हैं साइडों पे, थोड़ा सा एक अट्रैक्टिवनेस के लिए लाइन देते हैं, लाइन ले ली, शिफ्ट
दुबा के अगर हम इसको करेंगे तो ये एंगल बिल्कुल खराब नहीं होगा, इसका ऊपर नीचे नहीं, टेढ़ी नहीं होगी लाइन ये। ठीक है, तो हम पकड़ते हैं शिफ्ट को, शिफ्ट की प्रेस करते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं, तो ये जीरो एंगल पे ही रहेगा जाते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल एक लाइन लेते हैं इसके सेंटर से यहाँ तक गया, सही, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, लाइन को यहाँ पे रखते हैं, सेंटर से थोड़ा नीचे रखते हैं। सेम एज इसी तरह इस तरफ भी लाइन रखते हैं हम, कंट्रोल सी कंट्रोल भी रखते हैं, और इसी लाइन के सामने हम थोड़ा सा इधर लाइन ले आते हैं, एडजस्ट करते हैं इसके साथ, स्पेस में कोई इशू ना हो। ठीक है, जूम भी कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर विजन मिल जाए, तो हमें बताना तो चाहिए इन फॉर्म ऑफ नंबर्स एडजस्टमेंट का तो नहीं बता रहा, हम इसको विजुअली कर लेते हैं। ये अलाइन तो हो गई है दूसरी वाली लाइन के साथ, ये सीधी अलाइन हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ हमें ये ऑन के दरमियान जो स्पेस है, यानी एन और लाइन के दरमियान की स्पेस और एस और लाइन के दरमियान की स्पेस को इक्वल करना है थोड़ा सा विजुअली। हाँ, इक्वल होगी तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे हमारी स्पेसेस जो है वो इक्वल है। ठीक है, और लाइन की जो विड्थ था, यानी जो ये लाइन की विड्थ है वही इस लाइन की विड्थ है, मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया था लाइन को, आई थिंक अब ये ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस शो करवा रहा है स्क्रीन पर, तो इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। लेट्स ट्राई विद सम अदर कलर, हम इसको थोड़ा सा ब्लैकिश में भी, व्हाइट में ठीक है। तो सेल ऑन न्यू अराइवल हमने लिख लिया, ठीक है, और सेल ऑन को हमने देखे हम सैंस सेरिफ में यूज किया। अच्छा, अब मैं अगर इसको भी चाहूँ तो सेम यू कर सकता हूँ, यानी यही वाला फॉन्ट जो न्यू अराइवल का फॉन्ट है वही यूज कर सकता हूँ जैसे मैंने किया, लेकिन वो आपको एक चीज फील होगी कि चीजें ना बड़ी एक दूसरे से वो जिसको हम कह सकते हैं कि सेम सेम हो गई है। ठीक है, अलग अलग सा कोई फैक्टर है नहीं, तीन चीजें या तीनों ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए ना मैंने इसको, मॉडर्निज्म भी हमें चाहिए इसमें, हेलवेटिका का यूज किया था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो सेल ऑन न्यू अराइवल हम कर चुके हैं, एक सिर्फ अब हमें और ऑप्शन शो करवाना है, परसेंट ऑफ यानी फ्लैट 50% ऑफ हमने, या सेव अप टू, हम सिंपल लिखते हैं अप टू 50% ऑफ, और उसके साथ हमें वो दिखाना है कि फॉर ऑनलाइन ऑर्डर, या फिर फॉर ऑर्डर ऑनलाइन, या फॉर ऑनलाइन ऑर्डर इस तरह हम लिखेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इस साइड पे लिखें फॉर ऑनलाइन ऑर्डर और इस साइड पे लिखें हम फ्लैट 50% ऑफ, इसको देखते हैं करते हैं, इसी को पकड़ते हैं फिलहाल के लिए, इसी कंट्रोल से कंट्रोल ये किया मैंने, इसका मैं लिखता हूँ 50%। ठीक है, 50% मैंने लिख लिया, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ इसमें फ्लैट, पहले मैं इसके साथ लाइन कर लूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेव अप टू, जो भी आप देख सकते हैं मुझे ये इसके ऊपर रखना है, और जितनी इसकी विड्थ है मैं चाहता हूँ इसकी भी इतनी ही तकरीबन विड्थ है। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, उसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम कर लेते हैं, तो हमने बढ़ाई हुई थी सॉरी लेटर स्पेसिंग, हम उसको बोल्ड भी किया ना तो चीज़ें हो जाएगी सेट। इसको हमने लिखा सेव 50%, सेव अप टू 50% और अनबोल्ड पे भी सही लग रहा है, वैसे बोल्ड भी रखते हैं वो।
सही है। अगर हम इसके ऊपर और नीचे भी लाइंस लगा दें ये सही रहेगा, ट्राई करते हैं लगा के। इसीलिए से मैंने लाइन को एडजस्ट किया, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं इसके साथ ऊपर नीचे से, ये हमें बताएगा स्पेस को। तो ये स्पेसेस भी इक्वल कर लेते हैं थोड़ी। सही, तो ये हमारा है सेव 50, सेव अप टू 50%। इस पूरे को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये इधर है इस साइड, और ये इस लाइन के साथ अलाइन होना चाहिए। अब देखें ऊपर से भी मुझे वो बता रहा है स्पेस डिफरेंस, ठीक है, और नीचे से भी बता रहा है, तो मैंने खुद स्पेस का थोड़ा सा रखना ताकि प्रोमिनेंट रहे। अगर मैं इसको बिल्कुल इसके साथ रखता हूँ ना तो देखें ये प्रोमिनेंट नहीं आएगा, ठीक है, वो जुड़ जुड़ जाएगी सारी चीज़ें आपस में। जैसे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा ना, करके दिखाता हूँ एलिमेंट्स, मैं सारे एलिमेंट इकट्ठे सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, ठीक है, और जिन चीज़ों को मैं आपस में एक इनका सारों का ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पर ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ। ये सारी अब इकट्ठी एक ही चीज़ें बन गई, ठीक है, तो अब मैं मुझे अलग अलग से चीज़ें हिलाने की जरूरत नहीं, मैं सारों को इकट्ठा भी कर सकता हूँ क्योंकि चारों चीज़ों का ये दो लाइन्स का और दोनों फॉन्ट्स का एक ग्रुप बन गया। और मैं इसको यहाँ रखता हूँ इस लेफ्ट वाली अलाइन के साथ, सॉरी राइट वाली जो लाइन है इसके साथ अलाइनमेंट करके रखा, चीजें अलाइनमेंट में आ गई, ठीक है। दिस मैंने इसको यहाँ, तो अब मैं इस साइड पे लिखना चाहता हूँ फॉर ऑनलाइन ऑर्डर, फॉर ऑनलाइन ऑर्डर सेव अप टू 50%, वो भी मैं इसी में हेलवेटिका में ही। मुझे लेफ्ट लाइन चाहिए, सारा टेक्स्ट मैं लेफ्ट से अलाइन कर लेता हूँ, और ऑर्डर तो मैं इसके सामने रखता हूँ और लेफ्ट से लेफ्ट वाली लाइन के साथ अलाइन करता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इतना स्पेस देना चाहता हूँ दोनों से, दोनों के दरमियान मैं इतनी स्पेस रखना चाहता हूँ, तो मैं इनको फिर सेंटर में सारी चीजों को अलाइन कर लूंगा। इसको पकड़ेंगे हम सारा कुछ, लेकिन लाइन आ गई एक सेंटर से तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है लग रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी मुझे नजर आ रही है लाइन स्पेसिंग ज्यादा लग रही है, लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम कर लेते हैं, काफी रहेगी, ठीक है, और सिर्फ ऑनलाइन वर्ड को थोड़ा बोल्ड करके देखते हैं क्योंकि ऑनलाइन पे थोड़ा फोकस रखना है ना, हमने एम्फेसिस रखना है इस चीज पे, हमने थोड़ा एम्फेसिस रखना होता है ना, उसको हम बोल्ड थोड़ा सा रखते हैं। जैसे 50% के ऊपर मैंने सेव अप टू को बोल्ड किया ना, एक तो उसकी रीजन ये थी कि थोड़ा सा वो नजर नहीं था आ रहा बहुत ज्यादा बोल्ड किए बगैर, और दूसरा मैंने इसमें एम्फेसिस भी रखना था तो मैंने उसको बोल्ड कर दिया। एम्फेसिस मतलब उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस रखना था, उस पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस शो करवानी थी उसकी, तो ऑनलाइन की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस शो करवानी थी तो उसको थोड़ा बोल्ड किया। अगेन इसको थोड़ा सा हम अब इसके साथ कर लेते हैं अलाइन, ठीक है, अभी देखिए ये न्यू अराइवल के साथ अलाइन हो रहा है, तो हम इसको भी यहाँ से ना अलाइन कर लेते हैं न्यू अराइवल के साथ, तो सेंटर में इसके, यस अब ये अलाइन है, ठीक है, चीजें सेंटर में भी है अलाइंड भी है सारी सारी। और आई थिंक कि इसके अलावा और कुछ हमने करना नहीं था, थोड़ा सा अब अगर हम बढ़ाए ट्रांसपेरेंसी को चीजें थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो जाएंगी, और आई थिंक कि यहाँ पे सही लगे। एक सिर्फ मोनोग्राम की एक कमी है, तो मोनोग्राम भी हम इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में ही लगा लेते हैं, जब सारा कुछ हम इसमें कर रहे हैं मोनोग्राम भी इसमें ही लगा लेते हैं, फिर इसको एडजस्ट करेंगे उस डिज़ाइन, आई थिंक सो हमारा फाइनल हो जाएगा। मोनोग्राम हम कुछ क्लॉदिंग से रिलेटेड क्लॉदिंग लोगो सर्च कर लेते हैं, कोई भी हम ले लेंगे अट्रैक्टिव सा,
ये ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ लगा लेते हैं थोड़ा सा ये मैं सारा कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या थोड़ा सा नीचे करते हैं पहले, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि मोनोग्राम, शिफ्ट की प्रेस करके मैं सारी चीजें सिलेक्ट कर रहा हूँ, सारा कुछ सिलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे ले आए ताकि मोनोग्राम के लिए जगह बने ऊपर, इतना सही नहीं, कुछ सेंटर में लाइन के नहीं है सब सब चीजों के साथ। अब हमें सिर्फ स्पेसिंग एडजस्ट कर, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और वाइड कर लेते हैं, सेंटर में करते हैं इस तरह से कि चीजें अलाइन नजर आए, ठीक है, अब ये सारा अलाइंड है, सिर्फ अब इसको इमेज के साथ अलाइनमेंट देनी है सेंटर वाले बॉक्स को, ठीक है, सेंटर में ये अलाइन है हर जगह से, इसको अलाइन रखें, टॉप बॉटम से स्पेस देख लें, राइट लेफ्ट से स्पेस तो इक्वल आ रही है, टॉप बॉटम से स्पेस देखें और ये आपका डिजाइन रेडी हो जाएगा, सही, नथिंग एल्स इसमें आई डोंट थिंक सो और कुछ ऐड करने की जरूरत है। हाँ, अब अगर आपने यहाँ पे अपना कोई कॉन्टेक्ट ऐड करना है, जैसे इसकी मैं इसको डुप्लीकेट करते हैं, अगर तो कॉन्टेक्ट ऐड करने की जरूरत है फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं, एक हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं इसको, सेम डिज़ाइन आ जाएगा, थोड़ा अब इसको ऊपर करते हैं ताकि नीचे हमारे पास उसकी ऑप्शन आए, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आए हमारे पास जहाँ पे हम थोड़ा अपने कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकें, ठीक है, तो इस पर थोड़ा काम करते हैं, एक टेक्स्ट पकड़ते हैं या फिर हमारे पास ये है टेक्स्ट, इसी को यूज करते हैं और कंट्रोल सी वी करके इसको नीचे लेके आते हैं, लेफ्ट से अलाइन कर लेते हैं, उससे पहले हमें एक आइकन भी चाहिए, फोन का आइकन, आइकन पकड़ते हैं, लेट्स से ये सिंपल ये वाला पकड़ लेते हैं, रखेंगे हम इसको ब्लैक नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे कोई टेक्स्ट, फोन नंबर अपना, बोल्ड करते हैं थोड़े से, अगेन इशू विजिबिलिटी का ही आ रहा है, ठीक है, तो इसका एक बेटर हल क्या है, मुझे पहले इसका थोड़ा फॉन्ट और लाइन स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, फॉन्ट भी थोड़ा कम करते हैं इसका, अब इसके साथ थोड़ा एडजस्ट करते हैं आइकन को, विजिबिलिटी का इशू आ रहा है अगेन, क्या किया जा सकता है, इसको थोड़ा ड्रैग करो और ये इसके अंदर ले जाते हैं, सेंटर में रख लेते हैं इसके, इस तरह से सेंटर में रख लेते हैं, तो ये एक यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और अगर इसको ड्रैग आउट कर लें, यहाँ हम फोन नंबर दे सकते हैं, अगर साथ ईमेल भी देना चाहते हैं उसे भी दे सकते हैं, ईमेल भी दे देते हैं, एक ईमेल का आइकन तो करते हैं, अब हमने क्योंकि ये बॉर्डर सर्कल में लिया तो हमें प्रॉक्सिमिटी साथ साथ ही देखनी है, हमने हमें ईमेल भी थोड़ा बॉर्डर सर्कल में लेनी पड़ेगी, बट वो प्रो में मिल रही है, प्रो वर्जन में मिल रही है सारी बॉर्डर ईमेल्स, ऐसे कहते ये लेते हैं और इसको भी चेंज करते हैं फिर,
सो अब दोनों सेम टू सेम लग रही चीजें, और इनको पहले एडजस्ट कर लें दूसरे के साथ, पहले देखें हमें कितना साइज चाहिए, नॉर्मल सा बस रखें ताकि फॉन्ट के साथ लगा अच्छा लगे, तो उसमें मसला नहीं है ऐसा। को सेंटर अलाइन कर लें, सेंटर अलाइन हो चुका है। इसी तरह नीचे ईमेल के आइकन को भी इसके साथ एडजस्ट करें, जैसे ये इससे बड़ा है इसको हमें थोड़ा छोटा चाहिए, इससे जितना ये साइज है उतना ही चाहिए। तो लेफ्ट से मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जब छोटी हो जाए ना चीज़ें तो आप भी कैनवस को जूम किया करें ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट मिल सके। अब मैं अगर आपको दिखाऊं आइकन जो है लेफ्ट साइड से अलाइन हो पा रहा है, ठीक है, जहाँ पे लेफ्ट पे लाइन हो गया ठीक है, इसको छोड़ दें, ड्रैग करें, तब तक ड्रैग करें कि राइट से लाइन हो जाए, ठीक है, राइट से लाइन हो गया। अभी इतनी ये लेफ्ट से भी लाइन है, राइट से भी लाइन है, सो ये सेम है, इसकी विड्थ सेम हो गई। सेम है, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, इसके सेंटर के साथ इधर से अलाइन रखना है इसको हमने, और यहाँ पे कोई ईमेल डॉट कोई भी जो ईमेल होगी तो हम उसकी दे देंगे ब्रांड के। तो ये हमने साथ एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी ऐड करी, राइट। अगर हम इसे अनबोल्ड करके देखें, अनबोल्ड में ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा, सही रहेगा। तो इस तरह से भी हम डिज़ाइन को कर सकते हैं, अगर हमने कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर हमें कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देनी तो ये फॉर्म है। एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं इसे डुप्लीकेट करूँ, ट्राई करने पर ही डिपेंड करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा ब्लैकिश में ले जाऊँ, ट्रांसपेरेंट को थोड़ा ब्लैक कर दूँ, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं ब्लैक में रखूँ और सारा टेक्स्ट या सारा कुछ ऊपर दो चीज़ें इसको मैं कलर दे दूँ वाइट, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें एडजस्ट हुई हैं या नहीं। चीज़ों का कलर वाइट का किया हमने, ये भी एक ऑप्शन, बट ये ज़्यादा प्रोमिनेंसी अब हमें देखनी पड़ेगी कि किस में आ रही है। अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करते हैं ठीक है, तो ये भी कुछ प्रोमिनेंट हो पा रहा है, सही। तो हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब इसमें से जो भी आपको बेटर लगे, जो मुझे लग रहा है कि ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, ये लाइट लाइट के साथ एक डार्क का थोड़ा सा कंट्रास्ट भी है अच्छा ये लग रहा है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी इंक्रीज और कर लेते हैं ताकि और प्रोमिनेंट हो, तो ये आई थिंक सो ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर आपके साथ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप कर सकते हैं, इसको भी अचीव कर सकते हैं। तो ये एक हमने इसको रहने देंगे, ज़्यादा डार्क हो गया सर। तो इस तरह से हमने एक आज पोस्टर क्रिएट किया है, सिंपल एड पोस्टर जिसको आप कह सकते हैं, यूजिंग द इमेज टेक्सचर, और एक सिर्फ हमने लाइन का एलिमेंट यूज़ किया और टाइपोग्राफी एलिमेंट यूज़ किया, नथिंग एल्स, और कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है इसमें। सो ये तो हो गई बात इमेज का एक टेक्सचर है। अब एक सिंपल आप टेक्सचर भी ले सकते हैं, कोई खुद से कोई टेक्सचर लेके भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ टेक्सचर टाइप करता हूँ, मुझे मल्टीपल सी ऑल्स पे जाता हूँ फोटोज में, मुझे मल्टीपल टेक्सचर्ड इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो है वो प्रो में, जैसे कि एक इमेज है, इसको आप एज अ सेट एज अ बैकग्राउंड करें, ठीक है, ये भी अब इमेज टेक्सचर है, ठीक है इमेज टेक्सचर्ड इमेज है, इसके ऊपर आप कोई फॉन्ट कर सकते हैं या आप कोई और कोई डिज़ाइन बना रहे हैं आप स्क्रीन, इस तरह से भी यानी टेक्सचर्स के थ्रू भी आप आगे चल सकते हैं, ठीक है, सिंपल आप टेक्सचर्स को लेके भी आगे चल सकते हैं। तो ये एक टेक्सचर इमेज अच्छी यूज हो सकती है, अगर आप कोई जैसे मैं इसमें इस पर भी आपको थोड़ा सा भी काम करके दिखाता हूँ, उसको फिलहाल भी रखते हैं। तो ये एक टेक्सचर इमेज है,
इस पे भी आप अगर कुछ काम करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन के आपकी नेचर क्या है प्रोजेक्ट की, या आप जो करना चाह रहे हैं उसकी क्या नेचर है। जैसे एक सैंडी सा टेक्सचर है, जैसे वाइट सैंड होती है ना, उस तरह का एक थोड़ा टेक्सचर है, वाइट डेजर्ट टाइप का। इस पे भी आप कुछ कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई आप कर रहे हैं डिजाइन। ये वुडन टेक्सचर है, ठीक है, लकड़ी का टेक्सचर है, तो आप इस पे भी कोई काम कर सकते हो। सकता है कहीं कोई आप कभी फर्नीचर से रिलेटेड कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, आप कर सकते हैं इसपे, ठीक है। और फेसबुक पे कोई पोस्ट क्रिएट करनी हो तब भी आप टेक्सचर को यूज कर सकते हैं, या इमेज बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि टेक्सचर से हमने पोस्टर बनाते हुए करना है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। या हमने अगर कोई चीज यूज की है तो वो सिर्फ उसी चीज के लिए यूज किया, नहीं तो मैं अगर टेक्सचर बना रहा हूँ, टेक्सचर यूज कर रहा हूँ तो सिर्फ पोस्टर के लिए यूज कर सकता हूँ, फेसबुक ऐड के लिए नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ये एक बबल्स बबल्स का टेक्सचर है, तो इस तरह का टेक्सचर आप यूज कर सकते हैं जब आप कोई सोडा कैन, जैसे सेवन अप टाइप होता है, जब हम ट्राई करते हैं कुछ बनाने की कि हम सेवन अप के कैन के लिए, सेवन अप के लिए एक पोस्टर बना बना सकते हैं, कोका कोला के लिए बना सकते हैं, क्योंकि उनके ब्रांड कलर में रेड है और वो ब्लैक को ज़्यादा यूज करते हैं या वाइट को यूज करते हैं, तो हम इसको छोड़ते हैं और इस पर एक टेक्सचर बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो कोका कोला कैन है उसका हम नीचे पीछे बबल्स है ना, पीछे बबल्स बबल्स हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सोडा कैन के टेक्सचर में आता है, सोडा प्रोडक्ट या कोई जो सोडा जूस होता है उसके प्रोडक्ट में। तो हम ट्राई करते हैं कुछ क्रिएट करने का, अगर हमारे पास इस टाइम में हो सके तो। हम सिंपल सर्च करते हैं कोका कोला कैन, कोका कोला का कैन चाहिए बेसिकली हमें, इसमें एलिमेंट्स से मिल जाएगा, सारे प्रो एलिमेंट है, ये एक मिला है, ये ज़्यादा हो गया डार्क स्क्रीन, ये एक थोड़ा ग्लॉसी सा मिल रहा है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ और देख लेते हैं, थोड़े से इसको देखते हैं, ज़्यादा एनिमेटेड से लग रहे हैं। हम फोटोज में से देख लेते हैं कोई, बट फोटोज में ये देखें ना, ये एक अच्छी है, लेकिन ये प्रो में, तो हम कोई ढूंढते हैं जरा इंटरनेट से, आते हैं अनस्प्लैश वेबसाइट से, आप ढूंढ सकते हैं अनस्प्लैश डॉट कॉम पे, अच्छी एच डी इमेजेस मिल जाती है। आप यहाँ पे सर्च करें तो अब देखें आपको किस तरह का चाहिए। तो हमें थोड़ा इस तरह का चाहिए होगा, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अच्छे भी सही रहेगा, तो इसमें रिफ्लेक्शन है, अगर इसको डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा यूज हम कर सकते हैं, या ये भी है, या इसको देख, ये तो तीन हमने एग्जाम्पल्स थोड़े डाउनलोड किए। अब इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इनका बैकग्राउंड हमें इमेज बैकग्राउंड में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, तो रिमूव इमेज बैकग्राउंड डॉट बीजी पे आप आ जाएंगे, अपलोड करेंगे, फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं तीनों इफेक्ट यूज कर सकता हूँ क्या। आई थिंक वन मंथ करके ही पहले इसका रिमूव करते हैं, तीनों सैंपल्स का रिमूव कर लेते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा उसको यूज कर डाउनलोड कर लेते हैं। अगेन अब हम दोबारा से करना चाहते हैं अपलोड इमेज, सॉरी ये भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेते हैं, इससे भी एक और रह गया लास्ट। डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं, डाउनलोड तो
अब आते हैं कैनवा पे, अपलोड्स पे, अपलोड करते हैं फाइल को। तीन ऊपर वाली फाइलें हैं इस टाइम मेरे पास जो मैंने यूज की, इनको इकट्ठा सेलेक्ट करके मैंने अपलोड किए। तीनों ऑप्शन हमारे पास अपलोड हो गए। अब तीनों को वन बाय वन ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसको फिर आगे यूज करेंगे। इसको यूज करते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। डुप्लीकेट करते हैं, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, वो कैसा लगेगा। ये ज़्यादा ही ऑड है, वो ज़्यादा जैसे ये इसके साथ कंपनसेट हुआ है ना, आई डोंट थिंक सो कि इसके साथ कंपनसेट हो रहा, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं। ये एक ऑप्शन है, तो ये इस ऑप्शन में डार्कनेस पहले ही है हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो ये कैन भी हमारे पास थोड़ा डार्क डार्क सा कैन है, लेकिन फिर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इन दो पे हम आगे थोड़ा काम करते हैं। सो हम सिंपल से एक टैगलाइन बनाते हैं, हम सिंपल एक टैगलाइन ये सोचते हैं कि बेस्ट कोक एवर, इनका एक चल भी रहा है एड, ठीक है, वो बेस्ट कोक एवर के नाम से चला रहे हैं आजकल ये। तो कोका कोला में ना आप ये देख सकते हैं एक इनकी कर्व है थोड़ी सी, ये देखें आपको शायद कैन में नजर आ रही हो इनके, मैं आपको ये देखिए ये थोड़ी सी कर्व है इनकी, एक कर्व सा है इनके उसमें लोगो में मोनोग्राम में कर्व है, तो हमें थोड़ा सा कर्वी टच देना चाहिए। हम सिंपल जाते हैं कर्व पे, एलिमेंट्स जैसे हमने कल ही कर्व को किया था, हम बड़ा कर्व सर्च करते हैं कि अच्छे से कर्व देते हैं इसके बैकग्राउंड पर, हम ये देखेंगे एक अच्छी कर्व नहीं इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं ना, इसमें पहले काम करते हैं उसको बाद में देखेंगे। ये बॉर्डर इसका प्लेन नहीं है, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। इसका कलर हम करते हैं, सॉरी इसका कलर चेंज हो सकता है, फोटो है ये हम यूज नहीं करें। ग्राफिक में जाते हैं, कर्व ढूंढते हैं, कर्व ये सही लग रही है इसको यूज कर, पहले तो इसका कलर करें हम चेंज, सॉरी हम काम कर रहे हैं, हमने ऐड ये की थी, वाइट करते हैं उसका फिलहाल कलर, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी हमने इसको बैक पे है, इसको बैक पे लेके जाना कहेंगे, इसको इधर नीचे लिखना बैक पे नीचे। सो ये ठीक है, इसको थोड़ा सेंड टू बैक करते हैं, देयर सेंड टू बैक, ये कैन के बैक पे आ गई। ये हमें थोड़ा सा नहीं चाहिए था, इसको हम ठीक क्या कर सकते हैं, नहीं हम इसको खत्म कर सकते हैं किसी तरीके से, तो आ जाते हैं बस। ऐसे ही जाने देते हैं इसको, थोड़ा हम लेके जाते हैं बैक पे, लेयर बैक, ऊपर आ रहा है ये, बट ऊपर हम उसको कहीं यूज कर लेंगे तरीके से, लेयर सेंड टू बैक। सो हमने एक कर्व से भी यूज किया, बट ज्यादा ऊपर चले गए, इतना नीचे जाइए हम कहेंगे। और एडजस्ट करते हैं और
अब हमें अपनी टैग लाइन लिखनी है बेसिकली हमने अभी तक कि बेस्ट कुक एवर। ये अगेन हम जाते हैं ना थोड़ी सी और कर्व्स भी देखने हैं बट बेटर रहेगी। इसे भी हम लेयर करके सेंड टू बैक करते हैं और इसका अगर कलर पहले सेलेक्ट सेलेक्ट कर लें। इसमें कैन का कलर रेड है तो रेड पे रखते हैं थोड़ा सा और सेंड टू बैक करते हैं देखते हैं कैसा लुक देती है। नहीं आई थिंक सो सिर्फ वाइट ही इनफ तक का ज़्यादा ओवर हो जाएगा। सिंपल अपन करते हैं टेक्स्ट को यूज टेक्स्ट हेडिंग हमें चाहिए बेस्ट व्हाइट कलर में चाहिए ये इसकी हमें बदलनी पड़ेगी अब फॉन्ट की सिलेक्शन टाइप फेस पे। अब हमें अगर हम देखें अगर हमें कोक का मिलता है क्या सिंबल अनस्प्लैश पे देखते हैं लोगों टाइप फेस पे जब आदमी पे देखें जिस तरह ये है ना हमें इसकी कोक लिखा मिल जाएगा इसे अब जैसे मे बी हमारी PNG डाउनलोड हो जाए इस वेबसाइट से। यही डाउनलोड कर लेते हैं यूज करके देखते हैं इसे डाउनलोड करने के लिए हम काफी कर सकते हैं नीचे में से निकलेंगे सेवन बी परसेंट सेवन सब डाउनलोड हो गए अपलोड करते हैं इसमें से हमने अभी फिलहाल ये कर दिया इसको ले लेकिन ये कलर का इशू आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा इसको हम एज अ मोनोग्राम यूज कर लेंगे कोई मसला नहीं उसी भी जाते हैं बेस्ट वो कह रहे थे इसका थोड़ा सा ना। अब हम फॉन्ट यहाँ से ढूंढ लेते हैं कौन सा मेरा अच्छा लगेगा थोड़ा सा हमने अब इस टाइप का अगर हम यूज कर लिया डेकोरेटिव में ही ज्यादातर हम जाएंगे देख लेते हैं कौन सा डेकोरेटिव सही लगेगा।
अच्छा लग रहा है फॉन्ट, ये सैंस सेरिफ का एक फॉन्ट है जॉस्पिन, सो ये अच्छा लग रहा है इसके साथ, इसको भी हम बेस्ट वो बना दें। हम बोल्ड करना पड़ेगा, हम बोल्ड थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग कम करते हैं, सॉरी लाइन स्पेसिंग कम करते हैं। हाँ इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, अब ऊपर हमें लगाना है बेसिकली मोनोग्राम ये वाला, अब क्योंकि ये डार्क है और डार्क के साथ डार्क का कंट्रास्ट नहीं बन, हम एक काम करते हैं, हम एक एलिमेंट पकड़ते हैं स्फीयर का, स्फीयर एलिमेंट इसको हम पकड़ते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं शेप पर पे, इसका कलर हम करते हैं वाइट, वाइट हम इसके ऊपर इसको ले आते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं, ब्रिंग बैक, इसको सेंटर बैक कर देते हैं, ये इसके लिए इस तरह से भी हम मोनोग्राम को यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा वाइट लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं शो लेयर्स करता हूँ, शो लेयर्स वो मेरा एलिमेंट ये है, इसका कलर कलर थोड़ा सा इसका हम वाइट करेंगे, इसको ट्रांसपेरेंसी पे ले जाते हैं थोड़ी सी, हम ट्रांसपेरेंसी ऐसे भी सही लगेगा, ये भी ऐसे भी ठीक है, तरह से भी किया जा सकता है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वापस अपना हमने ट्रांसपेरेंसी सॉरी इनफ है हमारे इसके साथ। अच्छा इसको अब हम थोड़ा सा अगर आउटलाइन दें, ठीक है, इस पूरे टेक्स्ट को रेड के साथ आउटलाइन देते हैं, इसमें थोड़ा सा रेड का कंट्रास्ट आ जाएगा, तो रेड के साथ अगर हम इसे आउटलाइन देना चाहते हैं, हम करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते ही हम आएंगे अपना इफेक्ट्स पे, आई थिंक यस इफेक्ट पे आएंगे, आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन का इफेक्ट चाहिए, आउटलाइन का इफेक्ट हम लेंगे, हमें कलर कौन सा चाहिए, मैरून चाहिए, तो ये मैरून से थोड़ी आउटलाइन आ गई, थिकनेस कितनी चाहिए हमें इसकी, यहाँ पे बता रहा हूँ ये थिकनेस, इसको कितना थिक करना है, कितनी आउटलाइन चाहिए वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, आई थिंक सो इतनी इनफ है हमारे लिए, ज़्यादा हो गई, कम कर दिए थोड़ी सी, आई थिंक ये इनफ है, तो इसमें ये रेड का भी थोड़ा सा कंट्रास्ट आ जाएगा, और थोड़ी कम कर लेते हैं, माइनर से कर लेते हैं बिल्कुल, ठीक है, माइनर से बिल्कुल कर लिए, इसमें एक लाइन अगर हम ऐड करना चाहें थोड़ी सी, ट्राई इट नाउ करके चलते हैं, इसी में ज़रा कॉपी करते हैं, कंट्रोल से कंट्रोल भी करते हैं, ट्राई इट करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट हमें कम चाहिए, कम कर लेते हैं। अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा, मैं अगर क्रिएटिविटी पे जाऊँ,
आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हम एलिमेंट लेते हैं पीछे, इसको मैं व्हाइट कलर में करता हूँ, अपने बेज से कलर में करता हूँ, या कोई हम और कलर देख लेते हैं ना फोटो में से, जो फोटो ये वाला ग्रे कलर, ग्रे कलर ख्याल में था क्या, इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद से भी बना सकते हैं कलर जितना ग्रे हमें चाहिए, थोड़ा सा लाइट सा ग्रे तरीका से। इसको मैं देता हूँ जरा रेड कलर, टाइम भी इसके इसके ऊपर वन। तो अब क्या किया जा सकता है, इसको फॉन्ट साइज थोड़ा और कम किया जाए, एडजस्ट किया जाए, और इसे भी एडजस्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइट स्पेस आ रही है। आई थिंक राइट और लेफ्ट से इतनी स्पेस इनफ होगी नॉर्मल सिंबल से, तो अलाइन कर ले, जूम इन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट का पता लग सके। लेफ्ट से सेंटर अलाइन हो चुका है हर जगह से टेक्स्ट, टेक्स्ट की स्पेसिंग टाइम स्पेसिंग तो हमें चाहिए ही नहीं है, इसको जीरो करें, लेटर स्पेसिंग ज़्यादा इसको कम चाहिए, ऐसे करते हैं सारे कैपिटल में कर देते हैं। सारे ही कैपिटल में कर देते हैं, अलाइन करते हैं अगेन, नीचे राइट लेफ्ट से अलाइनमेंट हो चुकी है, तो अब इस पूरी चीज तो इस पूरी चीज को हमें इसको और इसको अब पूरे कैनवस के साथ सेंटर अलाइन करना, और इसकी स्पेसिंग भी थोड़ी सी रखी हमने बेस्ट वाली, तो अच्छा इस पर काम करने में टाइम है नहीं हमारे पास, इस पर आप ऐसा कीजिएगा आप लोग काम कीजिएगा ठीक है, और कोई और टेक्सचर अगर आप यूज करना चाहें आप कोई और टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं, क्या हो गया काम मेरे से। तो ये एक हमने पोस्टर क्रिएट किया कोका कोला के लिए, हमें एक टेक्सचर एक इस तरह का मिले साथ मिला था पीछे में थोड़ा बबलिश टाइप ठीक है, तो मुझे फौरन से एक आइडिया आया कि ये तो सोडा कैन से रिलेटेड कुछ हम इस पर ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें से जो मुझे इस टाइम इश्यू नज़र आ रहा है वो स्पेसिंग है, स्पेसिंग सेट हो जाए तो इसको अगर हम इसको अगर हम बॉर्डर दें ठीक है, और बॉर्डर वेट ज़रा कम रखें, रेड कलर में बॉर्डर रखते हैं हम, बॉर्डर के लिए हम रेड रखते हैं, आई थिंक सो दिस लुकिंग गुड, यस ये भी एक ठीक लग गया, बाकी इसमें अब टाइम की हमारे पास कमी इस वजह से मैं थोड़ा इसको स्थेटिकली देख रहा अभी फिलहाल, लेकिन ये इस तरह से भी ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ठीक है, विजुअली बैलेंस्ड भी लग रहा है पोस्टर, ये एक बेस्ट कोक एवर हमने टैगलाइन देखी थी उसको किया, ट्राई इट नाउ हमने थोड़ा काम किया, ट्राई इट नाउ को अगर मैं हेलवेटिका में लेके जाऊं हम
दो फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आई थिंक सो ये ज्यादा बेस्ट फॉन्ट लग रहा है इसके लिए, थोड़ी लेटर स्पेसिंग बढ़ा देते हैं इसकी। तो आई थिंक ये अब ज्यादा बेटर लग रहा है। तो इस तरह से हमने एक पोस्टर क्रिएशन किया, आज दो पोस्टर हमने आज क्रिएट किए, बेसिकली एक के क्लॉथिंग के लिए, सेल ऑन न्यू अराइवल फॉर ऑनलाइन ऑर्डर सेव अप टू 50%। ओके, इस तरह अगर हमने देखा कि हम उसमें अगर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। फिर हमने एक टेक्सचर सिंपल लेके उस पर एक पोस्टर क्रिएट किया, ठीक है। स्पेस इक्वल है, तो स्पेसिंग भी इक्वल है, विजुअली बैलेंस भी है, एक प्रोडक्ट भी हमारे सामने है, ठीक है। तो एक हमने टेक्सचर को यूज करके एक पोस्टर क्रिएट किया। सो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और अब आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने की, सही है। डिफरेंट डिफरेंट आप भी पोस्टर्स को ट्राई करें, डिफरेंट ब्रांड्स को पकड़ें, उनकी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करें एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। एज अ प्रैक्टिस आप चीज़ों को करें। तो ये थी आज की कुछ प्रैक्टिकल क्लास। इसमें आज हमने टेक्सचरिंग के हवाले से देखा है और इमेज टेक्सचर को यूज किया है एज अ बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप भी ट्राई करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप पुट ऑन करें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, एनीवन, किसी पे कोई क्वेश्चन है? नो सर। क्लियर जी। तो आप भी ट्राई करें, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें, डिफरेंट तरीकों से ट्राई करें, हम करते जाएंगे कि बेसिकली प्रैक्टिस है। जब भी फारिग टाइम मिले चीज़ों को ऑब्जर्व करें। एक मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आपसे जब हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा स्टार्ट होने वाला है ना आपकी साइड से, या हो सकता है कल की क्लास में, आपको थोड़ा सा बता दूँ 10-15 मिनट के लिए, मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा डिज़ाइन थिंकिंग का, कि डिज़ाइन को सोचते कैसे। और आई थिंक सो वो उसकी मुझे थोड़ी सी कमी फील हो रही है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट डिज़ाइन थिंकिंग तो डिज़ाइन थिंकिंग से रिलेटेड कल की क्लास में कुछ करेंगे डिस्कशन, और कल हम मोस्ट प्रोबेबली लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ लोगों को डिज़ाइन करना देखेंगे। तो आज हम वाइंड अप करते हैं, और आपकी कल के लिए असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने पहले तो पुराने अगर आपके कुछ रहते हैं काम तो उनको कंप्लीट करें, ठीक है। प्लस इमेज टेक्सचर से रिलेटेड अगर आप कुछ क्रिएट कर सकें तो वो आप क्रिएट करके लेके आएंगे, ठीक है। और मोस्टली जो डिज़ाइन है, मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन बहुत हद तक इमेज टेक्सचरिंग पे भी हो रहे होते हैं। इमेज एक विजुअली फीलिंग बनाती है, अगर आपकी कोई इमेज लगी हो आपके पोस्टर में, कोई इस टाइप की इमेज हो, तो वो आपके पोस्टर को उठाती है। किसी इमेज एक ऐसी एलिमेंट है इमेज ग्राफिक डिज़ाइन में, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे ह्यूमन ब्रेन जो है साइकोलॉजिकली वो जल्दी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके इमेज में एक पिक्चर बन जाती है एक चीज़ से रिलेटेड, तो इसलिए इमेज इम्पॉर्टेंट है। इमेज के बगैर भी हम बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने इमेज के बगैर से ही स्टार्ट लिया था, जैसे हमने मोटिवेशनल कोट बनाई थी, एक तो इमेज वाली बनाई थी, एक इमेज के बगैर बनाई थी। ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज को यूज़ करें करें, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना जा रहे हैं, आप किस तरह का बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, सही। तो मैं आज के डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप अगर इनसे कोई लेना चाहे रेलेवेंसी आप ले सकते हैं, इनको ऑब्जर्व करना चाहे आप कर सकते हैं, बट क्रिएट आप खुद के ही कीजिएगा, क्रिएट आप खुद का ही डिज़ाइन कीजिएगा, ठीक है। तो हम वाइंड अप करते हैं, कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पुट ऑन कर लेते हैं, वाइंड अप। चलिए ओके, आप लोग क्रिएट करें डिज़ाइंस को, देखें
आप किस लेवल पे इस टाइम पे, ठीक है आप, और इसका बेटर तरीका ये होता है कि आप लोग थोड़े सैंपल्स को देखें, सैंपल्स को देख के 4-5 सैंपल्स में, जैसे कि कभी भी डिजाइन को क्रिएट करने लगे ना, तो ऐसा किया करें कि 4 से 5 या 6-7 सैंपल्स आप अपने पास पहले डाउनलोड किया करें दूसरे डिजाइनर्स के, जो आपको अच्छे लगे कि ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, गूगल सर्च करके। उसके बाद जब आप अपना बनाने बैठे ना, उनसे आइडियाज लें, उनको ऑब्जर्व करें, देखें किस तरह के फॉन्ट्स हैं, किस तरह की टाइपोग्राफी है, किस तरह की स्पेसिंग है, किस तरह के पिक्चर्स हैं, किस तरह के कलर्स हैं। तो फिर जब आप अपना बनाने बैठे, बनाएं खुद को, और उन 5-6 चीज सैंपल्स में से ना कुछ चीजें कॉपी करनी है कर लें, उनमें थोड़ा और अपडेशन करनी है, उनमें थोड़ी चीजें अपग्रेड करके आपने अपने स्टाइल में लगानी है, तो वो फिर आप बेस्ट तरीके से क्रिएट कर सकेंगे चीजों को, ठीक है। इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, वो पावर भी इंक्रीज होगी, आपको चीजें समझ आने भी शुरू होंगे, ऑब्जर्वेशन भी एक साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। तो सैंपल्स को इकट्ठा कर लिया करें पहले 6-7 को, फिर उन सैंपल्स को देख के ऑब्जर्व करके चीजें आप करना शुरू किया करें, तो आपका डिजाइनिंग जो स्किल है वो होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। कल तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी साइड से काम प्रैक्टिकल का खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स मैंने आपको सिखा दी, कुछ 2-4 चीजें कैनवा की वो मैं आपको कल बता दूंगा, लोगो डिजाइनिंग कर लेंगे एक, ठीक है, और फिर परसों से आपकी प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।